हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई तुम्हारी भाई की एक और नई वीडियो। सबसे पहले हमेशा की तरह आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने भाई की वीडियो को लव एंड सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें भाइयों। तो जो आज की वीडियो होने वाली है ना भाई, वो होने वाली है कि गाड़ी में मुझे क्या क्या खामियाँ लगती हैं, यानी कौनस के ऊपर। इससे पहले मैं शुरू करूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिसको जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर चैनल में जाके मेरी वीडियो ज़रूर देखें, और अपने जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली स्टार्टिंग में जो सबसे पहली कमी मैं बताना चाहूँगा ना अपनी गाड़ी के बारे में, मतलब टाटा की जो कमी है, मतलब कौन सा इस गाड़ी में हुआ है भाई, इसकी फिनिशिंग। फिनिशिंग में बहुत शिकायत है मुझे गाड़ी से। देखो, मतलब टाटा को भी वर्क करने की ज़रूरत है। चलिए मैं पहले तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो गैप देख रहे हो कितना गैप है, और काफ़ी शार्प रहते हैं चीज़ें। ये देखो, अगर आप क्लोजली चीज़ों को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी फिनिशिंग में दिक्कत है। कोई कोई कहेगा भाई ये तो हर गाड़ी में होता है, तो चलिए भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ जो हर गाड़ी में नहीं होता पर इस गाड़ी में तो है, वो दिखाता हूँ। देखो उस तरफ से ये देखो, दूर से क्या पता दिख रहा हो आपको, देख रहे हो चीज़ें, यहाँ से मैं भी दिखना रहा हूँ, इधर से दिखता हूँ। ये देखो, दिखा गैप, ये देखो, ये है फिनिशिंग में कमी टाटा गाड़ी में। और ये देखो, दिख रही है चीज़ें गैप, मतलब और कार मेकर्स में फिनिशिंग एक नंबर की रहती है पर टाटा के इस गाड़ी में कहीं कहीं जगह पे फिनिशिंग की अभी भी ज़रूरत है, फिनिशिंग में वर्क करने की। तो मैं भाई, अगर कोई टाटा वाला बंदा देख रहा तो ज़रूर मेरा सजेशन नोट करें कि गाड़ी में जो फिनिशिंग पर थोड़ा और काम करें, ठीक है भाई। जो दूसरी खामी मुझे लगती है ना गाड़ी की, जो एक और बड़ी खामी है जो मतलब नहीं होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, वो है भाई गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी। आप सोच रहे होंगे यार, अभी तो आपने पिछली वीडियो में इंटीरियर की तारीफ करी, भाई इंटीरियर बहुत अच्छा है, ये क्वालिटी भी अच्छी है, इस क्वालिटी से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो और प्लास्टिक लगा हुआ है ना गाड़ी में उससे दिक्कत है। जैसे कि आपको पिछले वाले गेट पर दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो चीज़ है भाई साहब, ऐसा लगता है जैसे 5-10 रुपये का आइटम लगा रखा है 6.5 लाख रुपये की गाड़ी, ठीक है। और दिखाता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत, रूफ। ये देखो यार, ऐसी रूफ कौन देता है, ये देखना, देख रहे हो, ये क्वालिटी दी है यार रूफ की, ये मतलब मेरा मतलब मन तो बहुत खट्टा है इस रूफ से, मैं इससे बहुत जल्दी चेंज करवाने वाला हूँ इस रूफ को, क्योंकि भाई इस रूफ के साथ तो भाई मैं नहीं चला सकता हूँ गाड़ी को ज़्यादा। एक और प्लास्टिक क्वालिटी का देखो एग्जांपल, देख लो ये चीज़, मतलब बहुत ही पहली बात तो अजीब सा है, बहुत टाइट वर्क करता है, ये देखो कितनी जान लगा के, बहुत जान लगा के भाई ये वर्क करता है, एक हाथ से तो मुझसे भी हो भी नहीं रहा, ये हो गया। ये भी काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मुझे अच्छा पसंद नहीं आया ये तो। ये हो तो होगी भाई, इसके जो प्लास्टिक की क्वालिटी बेकार है। इसके बाद मैं बता उन एक तीसरी खामी जो कि मेरे को सबसे पहले बोलनी चाहिए थी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है ना भाई, जो सबसे बड़ी दिक्कत है एल्ट्रोस की, जिसकी मैंने कमी भी बहुत बारी पोस्ट करी है, ट्विटर पे भी डाली है, बड़े बड़े ऑफिसर से भी बात करी है मैंने, रेगुलर मैं कंप्लेंट डालता रहता हूँ उस बारे में, जो कि है ना भाई वो एल्ट्रोस के मैनुअल एसी में प्रॉब्लम है। जो मैनुअल एसी का यूनिट है ना भाई, उसमें जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है जो जब आप गाड़ी का एसी चलाते हैं ना, नो डाउट आप किसी भी मोड पर गाड़ी के एसी को रख लो, इधर रख लो, इधर रख लो, इधर रख लो, कहीं पर भी रख लो, पर भाई जो नीचे की तरफ फ्लो होता है ना गाड़ी का, नीचे मतलब एयर फ्लो जो होता है भाई, वो कंटिन्यूस है, मतलब अगर आप सामने का वो भी चला रहे हो ना ब्लोअर ऊपर का, तो भी भाई नीचे पैरों में हवा लगती है। चलो सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो गर्मियों में ना पैर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। मैंने इस बात की बात करी टाटा से, जो उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया है ना भाई गाड़ी का, वो ये सोल्यूशन दिया है कि सर जो हर गाड़ी में हवा आती है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारी गाड़ी में आ रही है, मैं उन वर्डिंग बता रहा हूँ टाटा के ऑफिशियल्स की, जो उन्होंने मेरे को कहा है कि सर जो टाटा की जो हर गाड़ी है ना, हर गाड़ी में ब्लोअर की हवा नीचे की तरफ आती है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारी गाड़ी में आ रहा है, बट हमारी गाड़ी में इंजीनियर्स ने इस बार क्या करा है ना, किसी भी गाड़ी में डेडिकेटेड वेंट्स नहीं होते नीचे की तरफ, टाटा ने इस बार डेडिकेटेड वेंट्स बनाए हैं अपनी गाड़ी में, जिससे कि एयर फ्लो अच्छा रहे। उस वेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो नॉर्मल एयर फ्लो होता है ना वो बढ़ गया है, नोटिसेबल हो गया है, इसलिए आपको सर एयर फ्लो की दिक्कत लग रही है। अब इसका कोई सोल्यूशन तो हमारे पास है नहीं, बट स्टिल जब भी सोल्यूशन आता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे और सबके लिए सोल्यूशन वो आएगा। तो भाई ये जो आंसर मेरे को मिला टाटा की तरफ से,
भाई अब क्या ही कर सकते हैं, बहुत गुड़गांव से फोन आया था, उन ऑफिशियल्स ने जब मुझसे बात बोली, अब मैं उनसे क्या आर्गे करूं, ये जब उन पे सोल्यूशन ही नहीं है, जब प्लान से सोल्यूशन नहीं आ रहा तो भाई मेरे लिए तो क्या ही होगा। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है भाई, जब भी हो तो प्लीज जरूर अपडेट करिएगा। तो भाई चलिए नेक्स्ट खामी के ऊपर चलते हैं, वो है भाई इसकी जो थोड़ा सा पिकअप कम है गाड़ी के लिए। मेरे लिए भाई बहुत सफिशेंट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के पिकअप से, बट जो भी भाई मेरे भाई लोग लेना चाह रहे हैं गाड़ी, वो जानना चाहते हैं कि क्या क्या खामियां है, ऐसा ना हो भाई वो ले ले फिर उनको निराश हो, मन से ना चलाएं गाड़ी को। तो इसलिए उन्हें बता रहा हूँ कि अगर आप भाई बलिनो जैसा या पिकअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भाई वैसा पिकअप नहीं है गाड़ी, खुली बताता हूँ। बलिनो होगी स्विफ्ट हो गई, बलिनो स्विफ्ट गाड़ी ऐसी है ना भाई, बिल्कुल रिफाइंड गाड़ी है। उन गाड़ियों में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है, जो है उनका आपका इंजन, मतलब स्टार्ट करो पता नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट है, इतना रिफाइंड इंजन है, और पंजा दबाती गाड़ी भगती चली जाती है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट इंजन है उनका। पर टाटा में ये चीज़ नहीं है, आपको टाटा में थोड़ी खराश सी फील होती है, खरखराहट होती है ना, जब गला जब खराब हो जाता है खरखर होता है, ऐसी खराश सी फील होती है टाटा की चीज़ों में, चाहे उसका आप गेयर बॉक्स ले लो, चाहे आपका इंजन ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, तो थोड़ी दब के चलती है गाड़ी। वैसे अगर डॉक्यूमेंट्स में हिसाब से देखा जाए, ऑन पेपर देखा जाए, तो एल्ट्रॉस का जो पिकअप है वो सॉरी पावर है वो बलिनो से 3 BHP ज़्यादा है, बट फिर भी जो है एल्ट्रॉस थोड़ी दब के चलती है, क्योंकि एल्ट्रॉस का जो है वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बलिनो। तो भाई जितना ज़्यादा वेट होगा उतना आपका पिकअप पे अफेक्ट पड़ता है, बट बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि सफिशेंट पिकअप नहीं है, बहुत सही पिकअप है, लाजवाब पिकअप है। बट अगर आप कंपेयर कर रहे हैं और गाड़ियों से तो भाई उससे आपको कम लगेगा, बट अगर डे टू डे लाइफ है या फिर कुछ और भी आपको नॉर्मल चलानी है, या फिर आपको रेस देखो कोई, आप बलिनो से भी नहीं कर पाओगे, इससे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो भाई मेरे को तो उस चीज़ से फर्क पड़ता नहीं है, बट जो भी उनको भाई को फर्क पड़ता है तो एक बार टेस्ट ड्राइव लेके जरूर देखना कि कैसा पिकअप है गाड़ी के, उसी के बाद लेना, ठीक है भाई। जो इसके बाद चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है आपका, गाड़ी में जो दिक्कत है, जो स्टार्टिंग में जब आप रिलीज करते हैं ना पैडल अपना, तो काफ़ी वाइब्रेशन आती है गाड़ी में, मतलब पूरी गाड़ी हिलती है, जो कि काफ़ी हद तक कम हो गई है अपडेट के बाद। जो AL04 अपडेट आया था अल्ट्रॉस का, जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो अगर भाई वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी जरूर देखना। उस अपडेट का काफ़ी हद तक जो है गाड़ी में इम्प्रूवमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। बट फिर भी भाई और कंपनियों से कंपेयर करूँगा तो दिक्कत तो है, ठीक है। तो जब भाई पिकअप थोड़ा कम है गाड़ी में, पिकअप तो कम था ही, थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा है, जो आप सब जानते हैं 3 सिलेंडर इंजन है गाड़ी का। तो चलिए भाई नेक्स्ट कौन के ऊपर चलते हैं, जो आप सब जानते ही हैं, वो है इसकी भाई लो ग्राउंड क्लियरेंस। वो गाड़ी नीची है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बनती है, बट उसी का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि भाई जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब जो सेडान क्लास का ग्राउंड क्लियरेंस होता है ना वो क्लियरेंस है। ये देखो अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, देखो अगर हो सका दिखा पाऊं तो, जरूर गाड़ी नीचे से ना लगी हुई मिलेगी आपको जगह जगह से। ये देखो ये देखो, ये इसलिए लगी हुई है क्योंकि भाई कहीं ना कहीं रोड डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं लगी जाती है गाड़ी, तो वो इसी वजह से, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा गाड़ी का कम है, ठीक है भाई। तो जो अगला कौन है गाड़ी का, उसके लिए फिर से अंदर जाना पड़ेगा हमें, वो इतना बड़ा कोई कौन नहीं है, बट फिर भी मुझे मतलब जो भी अटपटी चीज़ें लगती है ना मुझे गाड़ी में, वो बता रहा हूँ आपको, वो है इसके भाई लाइट, मतलब बिल्कुल बेकार लाइट है, किसी काम की मुझे लाइट ही लगती नहीं है, जरा सी लाइट दी है भाई साहब ना इसे बंद करने का ऑप्शन ना कुछ है। अगर आपने गाड़ी स्टार्ट गेट खोला ना तो भाई चलेगी चलेगी हमेशा, मतलब रात को अंधेरा हो रहा है आप नहीं चाहते हो लाइट जले, पर ये लाइट जलेगी, इसे बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो भाई प्लीज़ कोई भी कंपनी में अगर ऐसा मत करो, लाइट में हमें कम से कम इतना ऑप्शन तो हो कि कब हम चलाना चाहते हैं उसे, कब हम नहीं चलाना चाहते। तो भाइयों ये एक कमी मुझे लगी गाड़ी में। और जो अब नेक्स्ट कौन मैं आपको बताने वाला हूँ ना, बहुत ही अटपटा सा कौन है, मतलब किसी गाड़ी में मैंने सुना नहीं है, ये बता नहीं ऐसा है या मेरा ही बहम है, बट भाई मुझे तो लगता है 110% ऐसी चीज़ है भाई। जो गाड़ी है ना वो धूल बहुत पकड़ती है, मतलब पीछे से गाड़ी में जो बैक का इसका पोर्शन बनाया है, जाने कैसे बनाया है, मैं अगर अभी गाड़ी साफ करके निकल जाऊँ ना तो आधे घंटे में पूरी गाड़ी में धूल ही धूल हो जाती है। जो बैक ग्लास है इसका, अभी भी इस पर बहुत धूल हो रही होगी, ये देखो, और अभी मुश्किल आधे घंटे पहले मैंने कपड़ा मारा था, ये देखो बहुत धूल पकड़ती है भाई गाड़ी, बहुत ज़्यादा। देखो डिक्की खोल के देखो इसके अंदर, देखो गाड़ी धूल पकड़ती है, ये देखो, ये कितना ही कर लो आपको हमेशा धूल ही मिलेगी गाड़ी के अंदर, ये देखो। बहुत अटपटा सा कौन है मैं जान रहा हूँ, बट भाई कौन है तो है, गाड़ी का डिज़ाइन इस तरीके से है या जो भी है, गाड़ी अपनी तरफ धूल बहुत ज़्यादा
अट्रैक्ट करती है ये। तो चलिए लास्ट कौन की तरफ चलते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा मेजर कौन है भाई। ये कौन तो मतलब जल्द से जल्द सही होना चाहिए और हो भी जाएगा मेरे हिसाब से, जो है ना भाई इसकी आफ्टर मार्केट अवेलेबिलिटी, मतलब जो आफ्टर मार्केट सामान है ना भाई वो गाड़ी का अवेलेबल नहीं है, अभी भी नहीं है बहुत सारी चीज़ भाई। मतलब अगर आपको जो चीज़ बाहर दूसरी कंपनियों की 50 रुपये की, 100 रुपये की या 500 रुपये की मिलेगी ना, वो 500 की चीज़ टाटा की आपको बाहर 1000 रुपये की या 1500 की मिलेगी, या फिर हो सकता है आपको मिले ही ना, आपको कंपनी जाके ही वो 2000-5000 रुपये खर्च करने पड़े। तो भाई चीज़ों की आफ्टर मार्केट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा हमेशा ही शोरूम में जाके चीज़ें नहीं करवा सकता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शोरूम की कॉस्ट ज़्यादा होती है और आफ्टर मार्केट अवेलेबिलिटी की कम होती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं भाई आप लोगों को, ये जो मिरर देख रहे हैं ना आप, ये मिरर, इस मिरर का एक ग्लास टूटा था बस, इस ग्लास के टूटने की वजह से मेरे पे कॉस्टिंग जो आई थी ना आपको मैं मतलब बता भी नहीं सकता हूँ यार, इतनी कॉस्टिंग मैंने ग्लास की बस पे करी थी। कि अगर ये ग्लास आपका टूट गया ना भाई कभी, बहुत तगड़ा आपको खर्चा आने वाला है। मुझे 3-4 महीने पहले मेरी ग्लास टूटा था, मैंने भाई पूरा मार्केट, कश्मीरी गेट, करोल बाग, नोएडा, दिल्ली, पूरा मार्केट छान मारा कि भाई ये ग्लास मिल जाए, बट मुझे ये ग्लास नहीं मिला। बल्कि कोई मारुति गाड़ी होती ना, मुश्किल से 100-200 रुपये का है ग्लास, बड़े प्यार से मिल जाता, पर भाई इसका ये ग्लास मुझे मिला ही नहीं। तो जो उसका सोल्यूशन मेरे पास आया ना वो ये आया कि आपको पूरा ही मिरर अपडेट कराना पड़ेगा। तो भाई मैं टाटा के पास गया, उनसे मिरर मैंने अपडेट करवाया, तो ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं थी, काफ़ी बड़ी मतलब छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसका मुझे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसकी कॉस्टिंग अगर मैं आपको बता दूं तो 5000 रुपये का मिरर है, सिर्फ एक ही मिरर मतलब ये पूरा चेंज हुआ था, उसे चेंज करने की कॉस्टिंग बता रहा हूँ आपको 5000 रुपये। तो आप भाई इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कितना अफेक्ट करती है आपकी आफ्टर मार्केट अवेलेबिलिटी चीज़ों की। ठीक है भाई, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं हम। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसी तरह अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।